हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 90 के दशक की मोस्ट फेमस एंड ब्यूटीफुल एक्ट्रेस मुमताज की लाइफस्टाइल एंड बायोग्राफी के बारे में, और जानेंगे इनसे जुड़ी कुछ ऐसी बातों को जिनको शायद आप नहीं जानते हो। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखना। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना। अगर आप मुमताज के फैन हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना। इनका रियल नेम है मुमताज और निक नेम है स्टंट हीरोइन, और प्रोफेशन से एक्ट्रेस एंड मॉडल हैं। इनका जन्म 31 जुलाई 1947 को बॉम्बे ब्रिटिश इंडिया में हुआ था, और 2023 के हिसाब से आज इनकी एज 76 ईयर हो चुकी है। अब इनकी फिजिकल स्टेटस के बारे में देख लेते हैं। तो इनकी हाइट लगभग 5'10" है। इनका आई कलर ब्राउन और हेयर कलर ब्लैक है, और ये नेशनलिटी से इंडियन है और रिलीजन से इस्लाम है। उनके माता पिता अब्दुल सलीम अस्कारी और हबीब आगा ईरान से संबंधित थे। वर्ष 1947 में मुमताज के जन्म के ठीक एक साल बाद दोनों का तलाक हो गया। अपने पति से अलग होने के बाद मुमताज की मां अपनी नानी के घर चली गईं। उस समय परिवार की वित्तीय संकट से गुजर रहा था, जिसके चलते मुमताज और उनकी बहन मलिका ने फिल्म इंडस्ट्री में कार्य करने का फैसला किया। अब इनके कैरियर के बारे में देख लेते हैं। तो 13 साल की उम्र में मुमताज ने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। मुमताज ने एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट फर्स्ट हिंदी मूवी में डेब्यू किया था, सोने की चिड़िया से, जो कि 1958 में आई थी। इस मूवी से इन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की। उसके बाद उन्होंने एक्टर दारा सिंह के साथ मूवी फौलाद में काम किया, जो कि 1963 में आई थी। इस मूवी में इन्होंने एक एक्ट्रेस के रूप में काम किया। एक इंटरव्यू में मुमताज ने कहा था, कुछ हद तक मैं कह सकती हूँ कि मेरे करियर को दारा सिंह ने बनाया है, क्योंकि उनके साथ मूवी करने के बाद मुझे अच्छे और मिलने शुरू हो गए। दिलचस्प बात यह है कि मुमताज उस समय 2.5 लाख रुपए लेती थी। उस समय उनकी भूमिका कुछ रोमांटिक दृश्य और कुछ गानों के लिए बहुत छोटी होती थी। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि मुझे अभी भी याद है कि मुझे 2.5 लाख रुपए का वेतन मिलता था, जो उन दिनों एक बड़ी राशि मानी जाती थी। मुमताज ने राजेश खन्ना के अपोजिट फिल्म दो रास्ते में काम किया। इससे पहले सिनेमा में उन्होंने कई बी ग्रेड फिल्मों में भी काम किया था। और हम आपको बता दें, ये 90 के दशक की मोस्ट ब्यूटीफुल एक्ट्रेस रह चुकी हैं। इन्होंने लगभग 100 से ज़्यादा मूवियों में काम किया है, जिसमें से कुछ सुपरहिट रहीं तो कुछ फ्लॉप भी रहीं। इनकी सुपरहिट मूवियों के नाम हैं हरे राम हरे कृष्णा, बंदे हाथ, दो रास्ते, आपकी कसम, प्रेम कहानी, दुश्मन रोटी, आंधी और तूफान, टार्जन एंड किंग कॉन, बॉक्सर, जवान मर्द, और इनकी लास्ट मूवी थी नागिन। तो हमको कमेंट करके बताना कि इनकी कौन सी मूवी आपको बहुत पसंद है और ये आपको कैसी लगती हैं। आप इनके अवार्ड के बारे में देख लेते हैं। तो इनको डिफरेंट टाइप के अवार्ड मिले हैं, जैसा कि आप इस स्क्रीन पर देख सकते हो। आप इनकी फैमिली से मिल लेते हैं। तो इनके फादर का नाम अब्दुल सलीम अस्कारी है, इनकी मदर का नाम सदी हबीब आगा है, और इनके दो ब्रदर और एक सिस्टर भी हैं। इनके ब्रदर का नाम शाहरुख शहजाद, और इनकी सिस्टर का नाम मल्लिका अस्कारी है। और हम आपको बता दें, इनके हस्बैंड का नाम मयूर माधवानी है, जो कि प्रोफेशन से एक बिजनेसमैन है। और इनकी दो बेटियां भी हैं, जिनका नाम नताशा माधवानी और सेकंड का नाम तानिया माधवानी है। अब इनकी हॉबी के बारे में देख लेते हैं। तो इनको डांसिंग एंड रीडिंग काफ़ी पसंद है। अब इनके हाउस के बारे में देख लेते हैं कि ये रहती कहाँ पर हैं। तो ये अपनी फैमिली के साथ मुंबई महाराष्ट्र इंडिया में रहती हैं। अब इनके कार कलेक्शन देख लेते हैं। तो इनके पास कार है मर्सिडीज बेंज। अब इनकी इनकम एंड सैलरी के बारे में देख लेते हैं। तो हम आपको बता दें, ये अब किसी मूवी में काम नहीं करती, पर पहले ये लगभग 2.5 से 3 लाख रुपये पर मूवी चार्ज करती थी। अब इनकी नेटवर्क देख लेते हैं। तो इनकी टोटल नेटवर्क लगभग 5 मिलियन US डॉलर है। इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करते हैं तो लगभग 40 करोड़ रुपए बनता है। तो ये थी एक्ट्रेस मुमताज की लाइफस्टाइल वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।